इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं, जरा ये बता रहे हैं। शेख रशीद चाहते हैं कि उनके हलके में ज़मीनी इंतखाब ना हो। 24 न्यूज की सबसे पहले रहने की रिवायत बरकरार। शेख रशीद ने 24 न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। शेख रशीद ने वाज़े तौर पर बता दिया कि वो 28 जनवरी से पहले कौमी असेंबली से इस्तीफा नहीं देंगे। अपने बयान में शेख रशीद का कहना है कि वो पहले हलकों में अवाम से मुलाकातें करेंगे, अवामी राबते के बाद मशवरे से तारीखी खिताब भी होगा। रही बात इस्तीफे की, तो वो सज धज कर बड़ी शान से देंगे। 10-12 दिन में मैं पहले अपने हलके से राजा बाजार में तारीखी खिताब करूंगा, दोनों हलकों से, और फिर शान से सज धज के इस चोर और डाकू और लुटेरी असम्बली के खिलाफ रिजाइन देने जाऊंगा। 24 न्यूज ने 19 जनवरी को खबर ब्रेक की थी कि शेख रशीद 28 जनवरी से पहले इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं रखते। हमारे जराये का ये कहना है कि वो 28 जनवरी से इस्तीफा देने का इरादा नहीं रखते। उसके बाद मुमकिन है कि वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि हुकूमत के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए फिर मुमकिन नहीं रहेगा कि उनके हलके में ज़िमनी इंतखाब करा सके। शेख रशीद नहीं चाहते कि उनके हलके में कोई ज़िमनी इलेक्शन हो। 28 जनवरी के बाद इस्तीफा देने की सूरत में उम्मीदवारों को आम इंतखाबात का इंतजार करना पड़ेगा।